अग्रज और इस प्रदेश में हार्ट सर्जरी के पुरोधा प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सेन साहब कल ही सेवानिवृत्ति लेने वाले स्वाभिमान सिंह अस्पताल के मुख्य कार्डियक सर्जन डॉक्टर आर एन माथुर साहब, डॉक्टर मंगलराम जी सोनग्रा साहब जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं मेडिकल कॉलेज कोटा के, डॉक्टर राजकुमार यादव जो अभी हृदय रोग सर्जरी के विभागाध्यक्ष हैं एसएमएस कॉलेज में, हाँ जी, इस संस्थान से हमको जोड़ने वाले हमारे अपने और बहुत ही ख्याति नाम हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर आलोक माथुर जी। और सही पूछो तो ये जो अगली पंक्ति है और उसकी दूसरी पंक्ति, बहुत कम लोग बात करते हैं किचन्स के अंदर, खासकर हमारी महिलाएं इंडोर पोल्यूशन से बहुत पीड़ित रहती हैं। किचन्स के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, उसको सुधारें, हवादार किचन बनाएं, उसमें कम से कम एग्जॉस्ट फैन तो ज़रूर होने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन बाहर निकल जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है हृदय रोग ही नहीं अपितु चेस्ट की बीमारियां या क्रॉनिक लंग डिजीज के लिए भी। दूसरा इम्पॉर्टेंट मेजर है टोबैको या स्मोकिंग या जो भी जिस तरह के व्यसन होते हैं उन सबका कैसे परिष्कार किया जाए। हमारी तो ये अपील है कि सरकार इस बारे में ध्यान करे कि टोबैको को बिल्कुल ही बैन कर दे, क्योंकि जब तक इस तरह का प्रयत्न नहीं होगा टोबैको को बैन नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ बच्चे प्रारंभिक अवस्था में 14-15 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं और वो आगे तक लेते रहते हैं। टोबैको फ्री सिगरेट्स भी आए यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, पर उनसे ये दुष्प्रभाव हुआ कि जो जिसको उसकी हैबिट पड़ गई वो टोबैको में ट्रांसफ़र हो गया, तो नुकसान हुआ फ़ायदा होने की जगह। उससे तो कैंसर वैसी बीमारियाँ तो हुई, उसके अलावा ये भी नुकसान हो गया। तो टोबैको फ्री एनवायरनमेंट बहुत आवश्यक है, टोबैको ईजिली अवेलेबल नहीं हो। और बहुत ही काबिल राजनीतिक चिकित्सक डॉक्टर करण सिंह यादव माथुर साहब और इस आज हम लोगों को जोड़ने वाले डॉक्टर आलोक माथुर और सभी जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर सिर्फ आपसे ABCD की बात करूँगा। आप तीन शब्द याद करें, ED D, E फॉर एक्सरसाइज, फर्स्ट इज प्रायोरिटी एक्सरसाइज एंड सेकंड इज डाइट एंड थर्ड इज ड्रग और इंटरवेंशन। इन्होंने यहाँ पे हार्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट यहाँ सब शुरू किया था राजस्थान में, सबसे पहले इसमें एक ही डिपार्टमेंट था, फिर दुर्लभ जी बना, उसके बाद तो अब हिंदुस्तान राजस्थान में करीब 100 के आसपास सेंटर है जहाँ पर कार्डियक सर्जरी होती है। और मैं आप सबको ये वर्ल्ड हार्ट डे मुबारकबाद देता हूँ। और हार्ट डिजीज के बारे में जहाँ से प्रिवेंशन की जो बात है तो उसमें है कि प्रिवेंशन कई स्तर पर किया जा सकता है, खान पान एक चीज़ है। बाकी जब बच्चे आप जानते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब मेंबर, उससे इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस इन्फॉर्मेशन भी है, इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है मेडिकल साइंस के पॉइंट से। इसलिए हमारी संस्थान ने एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम साथ चाहते हैं कि सब लोग उसके साथ जुड़ें। उनके ये आप नीचे ही ले लीजिए 100 ये सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हैं, तो इस पे आपको हम टाइम टू टाइम हार्ट डिजीज से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन होता है, हार्ट डिजीज बचना ही बेहतर है, बचाव ही सबसे उत्तम इलाज है हार्ट की बीमारी, तो इसमें सब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो जाता है दिल तो उसमें कुछ खराबियां हो रही होंगी। दिल को वैसे तो साफ रखना चाहिए, तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए एक रेगुलर लाइफ पैटर्न होना ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करिए, न कर सकें तो भी जितनी सीमित तरीके से एक्सरसाइज कर सकें वो करिए।
जो चिंता की बात है वो ये है कि कुछ जवान लोग एक्सरसाइज करते हुए मर रहे हैं। उसका अभी तक पूरा कारण नहीं मालूम पड़ता है, पर यह लग रहा है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी सही नहीं है, इसलिए शायद आज वर्ल्ड हार्ट डे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी के तत्वाधान में यहाँ पे एक फ्री साइट लॉन्च की गई है। डॉक्टर आलोक माथुर जो इस आजकल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इस संस्थान के, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिल जैसा अभी सभी जानते हैं, वैसे यहाँ सभी इस मामले में बहुत प्रबुद्ध हैं, सब कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, बट जनरल मैं बताऊँ तो दिल अपने आप में एक अजीब सी चीज़ है, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़े काम कर जाता है। हेल्दी हार्ट रखने के लिए निश्चित रूप से हमको अपनी जिंदगी